दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ ओके टच में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा छोटे बच्चों की सबसे अच्छी एंटीबायोटिक दवा मैकपोर्ट 50 डेरीसेप के बारे में। इसको बच्चों की किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके यूज, डोज, साइड इफेक्ट और इसके फायदों की पूरी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो 85 रुपए 80 पैसे इसकी कीमत है। इसको मैक्लोस्ड कंपनी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों ये सिरप आपको सभी मेडिकल स्टोरों पर आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ये सिरप केवल बच्चों के लिए है। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो इसके अंदर सिप्रोटॉक्सिन प्रोक्सीटिल 50 mg है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके यूज की, तो मैकपोर्ट 50 डेरी सिरप का इस्तेमाल बच्चों में होने वाले सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ब्रोंकाइटिस, साइनस की समस्याओं को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सभी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसके अलावा यदि बच्चे के कान में इन्फेक्शन है, आंख में इन्फेक्शन है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है या निमोनिया की शिकायत है, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत लाभदायक है। दोस्तों ये आमतौर पर छोटे बच्चों के आंख, कान, गले के इन्फेक्शन में बहुत लाभदायक है। पेशाब के इन्फेक्शन को भी ठीक करती है। फेफड़ों के इन्फेक्शन में भी ये बहुत लाभदायक है। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज की, तो दोस्तों यदि बच्चा 3 माह से 6 माह का है तो उसे 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, और यदि बच्चा 6 महीने से 1 साल है तो उसे 5-5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। दोस्तों इसकी डोज बच्चे के एज और वेट के हिसाब से दी जाती है, तो पहले बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं फिर इसको बच्चे को दें। दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, तो इस दवा को बच्चे को देने के बाद यदि उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सिर दर्द, स्किन पर रेडनेस की समस्या दिखे तो तुरंत इसका इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही किसी भी दवाई का इस्तेमाल करें। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।